सर मैं ग्वालियर से आया हूँ, ग्वालियर से अबव एस किलोमीटर दूर भिंड है वहाँ। तो मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, 3-4 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इसका हम देख सकते हैं, आप ये वाइजर है जो आप नॉर्मल वाइडर मेरा देखते हो वही वाइजर सेम। फ्रेंड्स आज है संडे के दिन और संडे के दिन मैं दिखा रहा हूँ आपको एक्सट्रीम की भरमार, एक्सट्रीम 125R की। पहले आपको देखने मिलेगी इधर, देख सकते हैं ब्लैक ब्यूटी, इसके अंदर ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, लैमिनेशन काम इसके अंदर पेंडिंग है जो चल रहा है, इसके अंदर फॉक्स राइडर लग चुके हैं, साथ में इसमें देख सकते हैं क्रैश गार्ड, इसके अंदर वही प्रॉपर फिटिंग वाला जो हम लगाते हैं वो इसका इंस्टॉल्ड हो चुका है। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर लग चुका है जो कि ब्रेक पैंडल एक्सटेंड कर देता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप इसमें नहीं लगवाते ना तो बारिश का मौसम इसका ब्रेक पैनल छोटा सा है तो वो कहीं भी स्किड करके ब्रेक वगैरह नहीं लगे तो प्रॉब्लम होने वाली है आपकी बाइक को, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये लगा दिया है। साथ में एक इसमें किक रबड़ भी लगा दी गई है जो किक का स्किड होने का खतरा वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जैसे अमूमन लोग क्या होता है कई बार खाली किक से भी काम चला रहे थे उसके उनके लिए ये बेस्ट है। इधर आप देख सकते हो क्रैश गार्ड से भाता हुआ सेम इधर है, इधर आपको मिल गई इसके गियर शॉक्स और साथ में इसमें देखने मिलेगी आपको लेडीज़ फुटरेस्ट जो हमने बनाया ना प्रॉपर फिटिंग वाला, ये वही लेडीज़ फुटरेस्ट है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। लुक चेकआउट कर लो, फिटमेंट एक नंबर होती है। और उसमें वेट की बात करिए तो मैंने लास्ट वीडियो मैंने कुछ चढ़ के दिखाया था तो समझ सकते हो कि वेट की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और लमशन वैसे पूरी गाड़ी हो चुकी है, सिर्फ बैक चढ़ गया सर रह रहा है, ये कर रहे हैं अभी इसकी लमिशन और करते हैं कंप्लीट, फिर आपको तीनों का दिखाते हैं एक एक करके। इसके अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या क्या किया गया है। पहले दिखाऊंगा आपको फ्रंट से जो मिलेगा आपको वाइजर, इसका देख सकते हैं आप ये वाइजर है जो आप नॉर्मल वाइडर मेरा देखते हो वही वाइजर सेम फिट कर दो। इसमें क्या है, इसमें कर दी गई है आपकी टेप जो कि मैट कलर की है जिससे और भी लुक इनहेंस हो गई है इसे लगाने के बाद। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन फॉक्स राइडर जिससे लुक भी इनहेंस होगी, साथ में सेफ्टी मिल जाती है जैसे कि शॉकर हो गया, मडगार्ड हो गया और इधर आपके ABS प्लेट डिस्प्ले, ये होती है इनसे पूरी सेफ और लुक भी काफ़ी इनहेंस होती है। दोनों तरफ देख सकते हो आप लुक काफ़ी ज़्यादा अलग निकल के आ रही है लगने के बाद, क्योंकि गाड़ी का कलर ब्लैक है, ब्लैक सिल्वर, बट इसमें जो दिया गया कॉन्सेप्ट वो दिया गया आपका गोल्डन और ब्लैक का। ऐसे आप उधर सेम इधर देखेंगे आप, ये भी आपको गोल्डन ब्लैक की मैचिंग का जो कि देख सकते हैं, ये भी लगा दिए जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं आपके प्रोडक्ट सेम इधर सेम देखने में। आपको इस तरफ लुक चेक कर लो किस तरीके की सीन आने वाली है। और रही बात क्रैश गार्ड, आइए क्रैश गार्ड दिखाए थे आपको, ये इसका क्रैश गार्ड जो आप देख सकते हैं ये भी इसका इंस्टॉल कर दिया गया है, वही सेम प्रॉपर फिटिंग में जो आपको बताता हूँ वही इसके अंदर क्रैश गार्ड फिट हो गया है। और इसके बाद आपको मिलता है सेम इधर और नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका गियर शॉक जो किसमें इंस्टॉल कर दी गई है। इधर आपको मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट जो लगा दी गई इसके अंदर, इसे लगाने से आपका स्टैंड भी सेफ हो जाता है और स्टैंड सेफ होने के बाद इसमें ना जब भी गाड़ी आप खड़ी करते हो तो आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहती है, गिरती नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके से। और साथ में इसमें मिलेगा आपको थाई पैड्स, देख सकते हो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी थाई पैड्स लगा दिए गए इसके जिससे आपका टैंक सेफ हो जाता है। इधर आपका हो गया है टैंक पैड, इससे भी आपकी पूरी प्रोटेक्शन होती है ऊपर की, क्योंकि जब भी आप बैठते हैं ना तो बेल्ट वगैरह क्या होता है यहाँ पर लगकर निशान आ जाते हैं। वैसे तो लैमिनेशन कर दी गई है बट फिर भी क्या होता है बेल्ट लगती है तो लैमिनेशन भी ख़राब हो जाती है, इसे लगाने से वो भी ख़राब नहीं होती है। और अब इसके बाद दिखाऊंगा आपको इसके अंदर लेडीज़ फुटरेस्ट, जो कि लेडीज़ फुट मैंने आपको बताया कि हमने बनवा दिया है इसका आपका लेडीज़ फुटरेस्ट जेन्युइन फिटिंग वाला हैवी क्वालिटी का प्रीमियम, देख सकते हो आप प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं, क्वालिटी सिंपली ड्यूटी फिटेड है। और वेट की अगर बात करी जाए तो इस पर अराउंड आप 80 kg बंदा बिठा के खड़ा करके इस पर चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ये मेरी श्योरिटी है इसके अंदर। साथ में इसमें मिलेगा आपको सीट कवर जो कि लगा दिए गए प्लेन सीट कवर जेन्युइन वाला उसमें इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद दिखाऊंगा आपको इसके अंदर एक चीज़ और जो कि मिलेगा आपको ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये देखिए ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे लगाने से क्या होता है इसका जो ब्रेक पैंडल काफ़ी छोटा सा होता है स्लिम ट्रिम, और जब भी राइड करते हैं तो क्या होता है अगर पैर पे कुछ भी लगाओ गीला हो या कुछ और लगाओ तो क्या होता है पैर स्किट्स होने का खतरा होता है, इसे लगाने का वो खतरा हो जाता है आपको बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि अब हो गया आपका लॉन्ग ब्रेक पैंडल, ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है जो कि इसका इंस्टॉल कर दिया। आपका मिलता है CNC का और ये होता है आपका इम्पोर्टेड के अंदर जो कि लगा दिया गया। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, मिलाता हूँ भैया से जिन भैया की ये वाली बाइक थी। हेलो सर, थैंक यू सो मच इतना वेट करने के लिए, समय लग गया आपको काफ़ी, कोई बात नहीं, कैसा लगा आप ये तो कहाँ से आई बताइए। सर मैं ग्वालियर से आया हूँ, ग्वालियर से अबव 80 किलोमीटर दूर भिंड है वहाँ से आया हूँ, 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिल्ली से। तो मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, 3-4 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपका काम देख के जेन्युइन। मैं और भी सजेस्ट करूँगा, और भी बंदे अगर बाइक लेंगे तो यहाँ के लिए रिकमेंड करूँगा मैं। तो आप प्राइसिंग वगैरह इशू तो नहीं कुछ के भैया? नहीं, कोई भी इशू नहीं है। क्वालिटी वगैरह कैसी लगी? क्वालिटी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। या
ऑल ओवर सेटिस्फाइड है आप? हाँ सर, सेटिस्फाइड है। चलो जी, बाकी भैया सब कुछ बोले जाए, कुछ खुद ही रिकमेंड करें, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और ये थे भैया जिन भैया की ये वाली बाइक्स थी। बाकी आपको वीडियो चले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, राज भाई एक्सप्रेस जो मिलेगा यूट्यूब पर सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। और बाकी लोकेशन एड्रेस सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो। और अगर जो आपको वहाँ नहीं जाना तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, डायरेक्ट मेरा नंबर है 7827217144 वाला, आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन मंगा सकते हो, या कुछ भी क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।